Hello dear students, welcome to STS Vidyapeeth. In online classes today I will teach you subject math and your topic subtraction. Okay students, आज का आपको टॉपिक क्या है? Subtraction. आज मैं आप लोगों को घटा बता रही हूँ कैसे करना है घटाना. तो यहाँ पे देखिए सब्ट्रैक्शन के कुछ सिंबल है. यहाँ पे देखिए सब्ट्रैक्शन का है सिंबल है, घटाना का है सिंबल है आपका, इस तरह से स्लिपिंग लाइन है. ओके चेस, आपको जब भी सब्ट्रैक्शन मिलेगा तो उस क्वेश्चन के सामने यहाँ पे कुछ अंक होंगे और वहाँ पे तो कुछ नंबरों के साथ इस तरह से सिंबल आपको दिखेंगे. तो इसका मतलब क्या है, आपको क्या करना है, घटाना है. ओके चेस, तो देखिए यहाँ पे मैं आप लोग को ब्लैक बोर्ड पे बता रही हूँ सब्ट्रैक्शन करने के लिए. 5 माइनस ये सिंबल है ना, माइनस 3 इक्वल बॉक्स है ना. अब यहां पे देखिए 5 माइनस 3, तो इसे हम कैसे करेंगे, इसे हम लाइन के माध्यम से भी कर सकते हैं और इसे हम अपने फिंगर पे भी कर सकते हैं. तो मैं आपको यहाँ पे लाइन के माध्यम से बता रही हूँ. तो पहले कितना है, 5 है, तो हम पहले 5 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5. ओके चेस, हमने 5 लाइन क्या किया यहाँ पे, रफ काम के लिए खींच ली. ठीक, तो यहाँ पे देखिए आपको कितना है, 3 है, तो हम 3 लाइन को क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, इसे काट देंगे, 1 2 3. तो 3 लाइन को हमने क्या किया, क्रॉस कर दिया, तो कितनी लाइन बची, 1 2. तो हम बॉक्स में लिखेंगे 2, यही हमारा आंसर हो गया. तो हमने लिखा बॉक्स में 2. ओके चेस, अब रफ काम को हम क्या करेंगे, जो रफिंग किए हैं उसे हम क्या करेंगे, मिटा लेंगे. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अब यहां देखिए आपका क्या है, 8 माइनस 5 इक्वल, यहां पे देखिए बॉक्स है ना, 8 माइनस 5, यहाँ पे देखिए 8 है ना, तो पहले हम 8 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसके बाद क्या है, 8 माइनस 5 है ना, तो 5 लाइन क्या करेंगे, हम क्रॉस करेंगे, 1 2 3 4 5. तो 5 लाइन को हमने क्रॉस कर दिया, इसे काट दिया, कितनी लाइन बची हम उसे काउंट कर लेंगे, 1 2 3, कितनी बची, 3. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3 बॉक्स में 3 लिखेंगे. ओके चेस, नेक्स्ट देखिए आप लोग, 10 माइनस 7 इक्वल बॉक्स है ना. अब देखिए अब क्या है, 10 माइनस 7, तो हम क्या करेंगे, पहले 10 लाइन खींचेंगे. ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लाइन ने खींच ली. अब उसमें से क्या करना है, आपको 10 माइनस 7, 7 लाइन को क्रॉस करना है, काट देना है, 1 2 3 4 5 6 7. ओके चेस, तो कितना बचा आपका, उसे हम काउंट कर लेंगे, 1 2 3, कितना बचा, 3 ना, तो हम बॉक्स में 3, इस तरह से हम कर सकते हैं. अब नेक्स्ट देखिए आप लोग, 10 माइनस 5 इक्वल बॉक्स है ना, 10 माइनस 5 है, तो क्या करेंगे, 10 में से 5 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे, उसका घटाव कर देंगे ना. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम 10 लाइन क्या करेंगे, खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब इसमें से हम 5 लाइन को क्रॉस करेंगे, 1 2 3 4 5. अब जितनी लाइन हमने क्रॉस की उन लाइन को छोड़ के बाकी जितनी लाइन है उसको क्या करेंगे, हम काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5, 5 ना, तो हम बॉक्स में क्या लिखेंगे, 5, ये हमारा आंसर है. प्रेजेंट्स, अब नेक्स्ट देखिए आप लोग, 4 माइनस 0
बॉक्स है ना। अब 4 माइनस 0 तो क्या करेंगे हम इसे, इसे भी हम घटाएंगे ना, तो 4 में से 0 को घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा, किसी संख्या में 0 है और 0 है तो उसमें से हम घटाएंगे तो क्या मिलेगा, वही संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी ना। तो हम क्या करेंगे इसे यहाँ पे हम 4 ही लिख देंगे। ओके सेक्स, अब नेक्स्ट देखिए आप लोग, सेवन माइनस सिक्स इक्वल बॉक्स है। अब यहाँ पे देखिए 7 माइनस 6 तो 7 लाइन हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब उसमें से हम 6 लाइन को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब जो लाइन बचा है उसे हम काउंट कर लेंगे तो कितना बचा है 1, तो हम बॉक्स में क्या लिखेंगे 1, यही हमारा आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को 1 डिजिट का सब्ट्रैक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ना समझ वीडियो को आप पुनः देखें। थैंक यू।